थे, हमने नौकरी को छोड़ा तो लौंडों के लिए छोड़ा, महाकाल के आशीर्वाद से सौगंध है महाकाल की भैया, एकदम जो है चिंता करने का जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान वो देश है भैया जहां पे आप जानते हो प्यार से नहीं मिलता है भैया, अगर आजादी मिली तो लड़के मिली, और अगर आपको एनटीपीसी के इस जंग में अगर आपको जीतना है तो भैया लड़ना पड़ेगा महाकाल के आशीर्वाद से, और धांसु सर आपके साथ है भैया। तो मैदान जंग में अब धांसु सर उतर चुके, इस बात का आगाज कर दीजिए हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे प्यार बच्चों, और इस चैनल के माध्यम से मैं आगाज करता हूं भैया, हम मैदान जंग का हम ऐलान करते हैं कि भैया जल्द ही मैदान जंग में आप लोगों के लिए मैं आ रहा हूं मेरे प्यार बच्चों, आपके सपोर्ट के लिए आ रहा हूं भैया, चिंता करने का जरूरत नहीं है। देखो मुझे दुख इसी बात का होता था, 2 साल से मैं पढ़ा रहा था पर मैं आपका सपोर्ट नहीं करवा था, दर्द था मेरे सीने के अंदर, वो सारा दर्द आएगा महाकाल के आशीर्वाद से, जंग लड़ूंगा आप लोगों के लिए, चिंता करने का जरूरत नहीं है। और अगर एक आवाज उठेगी भैया अनअकैडमी वाईफाई से, मेरे अंदर दर्द होता था, मैं जो बोलना चाहता था पर मेरे को बोलने नहीं दिया जाता था, माय डियर स्टूडेंट, पर अपने इस चैनल के माध्यम से आग लगा दूंगा हिंदुस्तान के अंदर, उन लौंडों के लिए आग लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, और एनटीपीसी के लिए भैया ईंट से ईंट बजा दूंगा भैया, आप क्रांति होगी, आप होगी क्रांति, दबा के लाइक और ठगम महाकाल के आशीर्वाद से, और लौंडे लिखिए अब होगी क्रांति, एनटीपीसी के लौंडों के लिए धांसु सर आ चुके हैं मैदान जंग में भैया, ऐलान करते हैं जल्दी मैं आपके लिए वो डेट भी लेके आऊंगा जिस डेट पे मैं धरना प्रदर्शन शुरू कर दूंगा आप लोगों के लिए मेरे प्यारे बच्चों, और आप सब एकजुट होकर इस आंदोलन में मेरा साथ देंगे भैया। मुझे एहसास है, दर्द है कि मैं लास्ट ईयर मैदान जंग में नहीं आ पाया था क्योंकि मेरे पास मेरा चैनल नहीं था मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरा चैनल है, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से ऐलान जंग में उतरूंगा और आपके फुल सपोर्ट में उतरूंगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं कुछ मुद्दों पर डिस्कस करना चाहता हूं, जल्दी से सब लोग जुड़ जाइए महाकाल के आशीर्वाद से, आज ये जंग का ऐलान होगा महाकाल के आशीर्वाद से। नमस्कार दोस्तों, ये एनटीपीसी बोर्ड वाले को क्या हुआ है, इनको पावर रखा है, जो एनटीपीसी में दिया रिजल्ट, जैसे पहले पीटी लिया गया उसके बाद फिर पीटी में सब का रिजल्ट हुआ, उसके बाद मेंस में फिर साइको दीजिए अपना पोस्ट बाय पोस्ट, जिनका टाइपिंग था वो टाइपिंग दिया, लेकिन अभी कहा गया कि सर पहले ही बार पीटी में ही पोस्ट वाइज कर दिया, लेकिन ऐसे सरकार को नहीं करना चाहिए था, रेलवे चेयरमैन को मेन था कि सर पहले पीटी में सबका क्लियर कर देता, 20 गुना सिर्फ नाम मात्र का, लगभग 3 से 4 गुना, जैसे एक ही विद्यार्थी को 5 बार गिना जा रहा तो 4 × 5 = 20 गुना उसी को कर दिया। देखिए इसमें एक और समस्या क्या है, इंटर वालों को तो पूरा बर्बाद कर दिया है, इंटर वालों को तो मतलब ऐसा बर्बाद किया जिसका कोई हद नहीं, ग्रेजुएशन वालों को तो थोड़ा बहुत बक्सा भी है इस वजह से। देखिए दूसरा है कि हम लोग जो 3 टीचर एक दुख था, तो अभी क्या हुआ रिजल्ट आया रेलवे RRB NTPC का, इसने लड़कों को एक नया दुख दे के रख दिया। इसने क्या किया है कि कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, इसकी कहानी टोटल सुनिए, 2019 में इसकी वैकेंसी निकली, एग्जामे नहीं ले रहा था, 2020 में हम लोग ने स्पीक अप फॉर रेलवे NSSC का कैंपेन चलाया, तब ससुरा एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद क्या किया रिजल्ट नहीं दिया, फिर दिसंबर 2021 में हम लोग कैंपेन किए, 8 मिलियन ट्वीट किए लोग कि रिजल्ट दो, तो रिजल्ट दिया ससुरा हजार, और रिजल्ट में कहा था 20 गुना देंगे, 3 से 4 गुना रिजल्ट दिया है, अब कह रहा है कि 20 गुना है, कैसे किया, इतना बड़का चोर है ससुरा ये कि एक लड़का का एक कैंडिडेट का चार बार रिजल्ट दिया और उसको 4 जगह गिन रहा है, देखो 4 गुना है यहाँ पे, यहाँ तो ये नौटंकी करके रख दिया। अब इसका एकदम जीता जागता हम आपको लाइव एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए पीके सर है, मैथ पढ़ाते पहले ये धनबाद में रेलवे डिपार्टमेंट में थे, नौकरी छोड़ के आए, लड़कों के लिए मैथ वाला बताएं, 2019 में वुमेन क्या होता है पैटर्न जानने के लिए भी फॉर्म भर देते हैं, तो सर भी फॉर्म भर रहे थे, इनका रिजल्ट 3 जगह दिया है, खुद नौकरी छोड़ के आए हैं, यहाँ भी रिजल्ट दिया है, यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, जबकि सर को कहीं नौकरी नहीं करना, वो अमूमन आदमी ऐसे भर देता था कि चलो पैटर्न को देखना है, और ये 2019 का है, ये 2022 में किसको पता रहता है क्या होगा क्या नहीं रहेगा, तो एक आदमी का 3-4 जगह रिजल्ट दे रहा है, अब सर को तो ऑलरेडी जॉब छोड़ के आए हैं और उसके बाद से कहाँ जॉब करेंगे, इनका 3-3 जगह रिजल्ट दिया, बताइए, अरे भैया पहले रिजल्ट दे देते, सबका एक लिस्ट निकालते, जिसका जैसा नंबर उस हिसाब से रिजल्ट देना चाहिए था, लेकिन नहीं ससुरा एक के बार में 3 आदमी का दे दिया, बाद में सिलेक्शन एक ही जगह का होगा, यहाँ पे जो सीट बच जाएगी उस सीट को बेच दिया जाएगा ब्लैक में, वहां पे यही तो हो जाता है यहाँ पे रेलवे वाले। साथियों कैसे आप सभी, मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति, 3 साल का वेट लगातार करने के बाद में ऐसा हुआ कि आप एक सुरंग खोद रहे थे, नहीं वो कहते हैं ना कि आप खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, 3 साल कठिन मेहनत,
दिन रात 12-12, 14-14 घंटे आंखों को फोड़ने के बाद अपना सब कुछ, अपनी जवानी के 3 साल, बेहतरीन 3 साल देने के बाद में रिजल्ट आया। और रिजल्ट क्या क्या आया? घोटाला आया। मतलब एक तरफ रेल मंत्रालय, एक तरफ सरकार कहती है कि युवाओं को सशक्त कर रहे हैं हम लोग, इतनी सारी वैकेंसी निकाली है, हमारे पास ये सिस्टम है, हम लोग इस डिजिटल उसमें। एक तरफ वो कंफ्यूजिंग, उन्हें ये नहीं पता, तुमसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और तुमसे ज्यादा बेकार कोई हुआ ही नहीं होगा। इससे अच्छा तो जब तुम्हारा पेपर नहीं हुआ था, ये तो था ना कि अभी पेपर होगा, ये थोड़ी ना था मन में। पेपर भी हुआ, रिजल्ट आया, और रिजल्ट ऐसा आया कि एक बंदे का तो 17 जगह हर एक कैटेगरी में है, और एक बंदा खूब 80-90 नंबर ला रहा है, उसका किसी भी कैटेगरी में नहीं है। ये कहां का न्याय है? ये कौन सा फॉर्मूला लगाया? तो अभी जो रेलवे के भर्ती के बारे में आप सबको पता होगा कि एनटीपीसी में एक एक रोल नंबर कई कई जगह शो हो रहा है। रेलवे ने अपना क्लेरिफिकेशन दिया कि भैया हम तो नोटिफिकेशन में बता के चले थे कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन आप नोटिफिकेशन में यह नहीं बता के चले थे कि 7 लाख रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे। आप यह बता के चले थे कि 35,000 वैकेंसी है और पर वैकेंसी 20 बच्चों को बुलाएंगे, 20 स्टूडेंट्स को, पर वैकेंसी 20 स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट 20 बार नहीं बुलाएंगे, एक स्टूडेंट 20 बार नहीं। आपने कहा था कि भाई 35,000 के करीब वैकेंसी है और पर वैकेंसी 20 बच्चों को बुलाएंगे, तब सबने लगाया था 7 लाख स्टूडेंट्स को बुलाओगे आप, ना कि एक ही स्टूडेंट को 7 लाख बार बुलाओगे। इन्होंने क्या किया, एक ही स्टूडेंट को 10-11 में 7 लाख रोल नंबर अगर आप बताते तो हम आपके नोटिफिकेशन को मान लेते। आपने 7 लाख स्टूडेंट बोला था,